एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे और मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने रायपुर में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी की तरफ से किए गए प्रदर्शन को निरर्थक आंदोलन बताया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के संख्या के हिसाब से जगह का चयन किया जाता है। बीजेपी ने टेंट लगाकर कैंपेन चलाया था जिसमें 2,80,000 आवेदन आए की बात कही है। और इसी के साथ जबकि रमन सरकार में 25 लाख से अधिकृत बेरोजगारी के आंकड़े पंजीकृत हैं। आंकड़ों में स्पष्ट है कि ये आंदोलन निरर्थक है। 8 साल में केंद्र सरकार ने अपना कितना वादा पूरा किया है इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी के बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मच गया है। उन्होंने कल कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शाप है, अगर उन्होंने सच बोला तो उनका सिर 1,000 टुकड़ों में बंट जाएगा। बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। डहरिया ने पूछा कि क्या ये मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस से बात करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा, क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? जिस तरह से राजीव गांधी को बम से उड़ाया गया वैसी कोई सोच है बीजेपी की? उन्होंने कहा कि झिरम के नरसंहार में कांग्रेस ने अपनी एक पीढ़ी को खो दिया है। ये बयान बताता है कि बीजेपी और पुरंदेश्वरी की सोच फांसीवादी है। उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे, तो वहीं आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सरकार में माफिया राज चल रहा है, तो वहीं सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा आज सबसे बड़ा आंदोलन कर रहा है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को चेतावनी देते हुए कहा कि आपका समय समाप्त हो गया है। भ्रष्ट सरकार, इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ, बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। सीएम शिवराज ने पीएम को राज्य में हुई अत्यधिक बारिश और इसके कारण आई बाढ़ और जलभराव के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेना और एनडीआरएफ की तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात के चलते भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बनी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर आए हैं। चौहान ने अपने इलाके विदिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरी स्थिति से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भी अवगत कराया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुलाई गई कैबिनेट की बैठक निरस्त कर मंत्रियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने और पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं,
लेकिन जहां भी जरूरी हो प्रभारी मंत्री प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐप लोन से किए गए कर्ज के कारण परिवार की आत्महत्या के मामले पर दुख जताया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमने इंदौर पुलिस कमिश्नर को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के निर्देश दिए हैं और साइबर सेल भी ऑनलाइन लोन ऐप की प्रक्रिया और तरीके की जांच करेगा। अगर कोई आपत्तिजनक तरीका हुआ तो गंभीरता से विचार किया जाएगा। बहुत दुखद घटना है, मार्मिक घटना है। मैंने इंदौर पुलिस कमिश्नर को इस बारे में निर्देशित किया है। इस घटना के विस्तार में और बारीक पहलुओं पर जाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, इस ऐप लोन की समीक्षा होना मैं आवश्यक मानता हूँ। मैं भोपाल जाकर अपनी साइबर शाखा को इस बारे में निश्चित रूप से कहूँगा कि ये ऐप लोन क्या है और इसकी प्रक्रिया और तरीके क्या हैं। अगर कोई आपत्तिजनक तरीका हुआ तो गंभीरता से हम विचार करें। बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। ऊर्जा से भरे हुए लोग, नौजवान लोग सभी बने हैं मेयर साहब हमारे, निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से जुटेंगे और मुंदौर तो वैसे भी देश में नंबर वन से। उज्जैन पहुंची एडीजी प्रज्ञा श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक सतेंद्र कुमार शुक्ला, आईपीएस विनोद मीणा और माधवनगर थाना प्रभारी के साथ थाने का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को बताया कि किस प्रकार से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर किस तरह से कार्रवाई करनी है, इनके क्या कानूनी नियम हैं और कैसे इन अपराधों पर रोकथाम की जा सकती है। उन्होंने बताया कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करे कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, अपराधियों के लिए किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे लिए पुरुष और महिलाएं एक समान हो जाती हैं। ये मूलतः जो संदर्भ है वो महिला अपराध का संदर्भ है। तो जो बातचीत हुई है वो यहाँ के जो आईओज हैं या जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनसे हुई है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के एक्ट्स हैं या धाराएं हैं और कैसे कार्रवाई करनी है, और इनफैक्ट काफ़ी सूक्ष्म निरीक्षण हुआ है। तो हमने केस दर केस निरीक्षण किया है। क्या क्या किस प्रकार उनको टिप्स दी गई है, जो महिलाएँ हैं आजकल कंटिन्यू पुलिस में सेवाएँ भी दे रही हैं, किस प्रकार उनको टिप्स दी गई है? हम टिप्स महिला और पुरुष को भिन्न भिन्न नहीं देते। जब हम वर्दी लगा लेते हैं तो सब एक होते हैं। तो जो टिप्स दी गई हैं वो सारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दी गई हैं। व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता अपराधियों के लिए नहीं, जो हमारे पास पीड़ित आते हैं उनके लिए। अपराधियों में हमारा खौफ होना चाहिए, हमारी कार्यप्रणाली। मध्य प्रदेश के डिंडौरी आदिवासी बाहुल्य जिले में जल संरक्षण के मद्देनजर कराए गए अमृत सरोवर के कार्यों की दो दिन हुई बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। एक महीने पहले 37 लाख की लागत से बना तालाब और निर्माण कार्य चंद दिनों बाद ही बारिश में बह गया है। बताया जा रहा है कि आरईएस विभाग के जिम्मेदारों समेत ठेकेदारों ने गुणवत्ता को दरकिनार कर निर्माण कार्य को अंजाम दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अमृत सरोवर दो दिन हुई बारिश भी नहीं झेल पाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदारों ने काली मिट्टी का उपयोग सही मात्रा में नहीं किया और न ही रोलर चलाया गया है। मई 2022 में 37 लाख रुपए की लागत से उसमें कार्य हुआ जो गुणवत्ता विहीन है। उसमें रोलर चलना था वो भी ठीक से नहीं चला, चलाई नहीं, और जो काली मिट्टी की पिचिंग होनी थी वो भी नहीं हुई। इस कारण डैम क्षतिग्रस्त हो गया। कैसे क्षतिग्रस्त हो गया? टूट गया उसमें, रोलर नहीं चली। रोलर चलती तो दबती मिट्टी तो उसमें मजबूती रहती, और बनने के बाद उसमें लीक हो रहा था। सही बात है क्या? हाँ, पानी भी रिस रहा था, लीक हो रहा था। पानी लीकेज हो रहा था, पहले से ही पानी
लीकेज होना शुरू हुआ था और फिर नहर भी सही नहीं दिए, जो भी कार्य एजेंसी जो इसके माध्यम से हुआ है ये काम, ये सही जो नहर दिया गया था उस नहर को उसी में टिका दिए थे बंधान की नहर में, इसलिए बांध अभी भी संभावना है फूटने का। कभी भी ये क्षति नीचे के जो ज़मीन और जितना किसानों का फसल है वो चौपट होता चला जाएगा। अभी बांध फूटने से कितना पानी निकल गया बांध का? बांध का फूटने से बहुत पानी अभी चला गया, नहीं तो अलाव डैमेज नहीं हुआ है। एक्चुअल में बेस्ट बियर के डाउन स्ट्रीम में कटाव हुआ है मिट्टी का, तालाब स्ट्रक्चर से बंध से उसका कोई संबंध नहीं। और उसमें क्या है जो डैमेज हुआ है उसमें एक गेवियन बनाने का था, थोड़ा सा इनने क्या है लेट किया बनाने में, इसलिए वो मिट्टी का कटाव हुआ है जिसमें अभी काम लगभग चल ही रहा है और आजकल में वो काम भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो सर पानी रोकने की जो वो थी मुहिम थी, ये पानी तो पूरा बह जाएगा? बिल्कुल नहीं बहेगा, एक बूंद पानी नहीं बहेगा। आप जाके देखें बढ़िया पानी भरा हुआ है और जो डैमेजेस हुआ है जो कटाव है उसकी अपन लोगों ने भरपाई कर दिया पूरी, उसमें बोरियाँ वोरियाँ भरा के बोल्डर गेवियन एक बनाने का था, वो लगभग काम आजकल में खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है सर? नहीं है सर, इस तरह से थोड़ी सी ये है डिले जरूर हुआ, तेज पानी गिरने की वजह से उन्हें काम नहीं लगा पाया, लेकिन वो काम अभी लगा दिया है, हो जाए। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के थान खमहरिया नगर पंचायत में आज कांग्रेस पार्षदों द्वारा लगाई गई अविश्वास प्रस्ताव पर निर्वाचन अधिकारी SDM धनराज मरकाम की उपस्थिति में मतदान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 और प्रस्ताव के विरुद्ध महज 4 मत पड़े, जबकि नगर पंचायत में कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 5 पार्षद हैं। बीजेपी के एक पार्षद ने क्रॉस वोट कर दिया, इस प्रकार 20 महीने की बीजेपी अध्यक्ष अंजना ठाकुर की कुर्सी धराशाही हो गई। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में थान खमरिया नगर पंचायत में आज कांग्रेस पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी SDM धनराज मरकाम की उपस्थिति में मतदान हुआ और इस मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े, जबकि उसके खिलाफ 4 वोट पड़े, जिसके बाद बीजेपी की ये सीट उसके हाथ से चली गई। तो छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले में आपको बता दें कि बीजेपी के एक पार्षद ने क्रॉस वोट किया और इस क्रॉस वोटिंग के चलते 20 महीने की बीजेपी अध्यक्ष अंजना ठाकुर की कुर्सी धराशायी हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव यहां पर पंचायत द्वारा लेकर आया गया था और पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तो उसके पक्ष में 11 वोट पड़े, जबकि उसके खिलाफ मात्र 4 वोट पड़े। लगातार बरसात के चलते चंबल नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट SDM समेत कई आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। भिंड कलेक्ट्रेट सतीश कुमार S ने बताया कि जानकारी अनुसार गांधी सागर से लगभग 12,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है, जिसके असर से चंबल का जल स्तर 12 मीटर तक बढ़ गया है और 128 मीटर तक जा सकता है। इससे अटेर के 20 से 25 गांव प्रभावित हो सकते हैं। बट आज की स्थिति में आज दोपहर से जो गांधी सागर डैम में अभी 12,500 क्यूमेक्स का पानी छोड़ा गया है, जिसका मतलब अभी ये जो जल स्तर है उदी घाट में वो 128 मीटर तक जाने की संभावना है अगले दो दिन में। तो इसलिए एक अलर्ट भी जारी की जा रही है, सभी वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लेवल लोगों भी अलर्ट हो जाएं, तो इसके लिए अराउंड 20 से 25 गांव वहाँ इसमें पानी जो रोड में आने से कट ऑफ होने की स्थिति बनता है, तो उसको देखते हुए अलर्ट करने के लिए प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अलर्ट किया गया है कि कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमार व्यक्ति है तो उनको चिन्हित किया जाए और जैसे हम भी स्थिति स्पष्ट होगा तो उसी के हिसाब से उचित टाइम पर शिफ्ट भी किया जाए, और इसके अलावा उनको जो अति आवश्यक सामग्री है तो वो भी हम चिन्हित करके जब जरूरी। मध्य प्रदेश के इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदी इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने कहा कि पहली बार
हम कैदियों से इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनवा रहे हैं। 10 कैदियों की टीम लगी हुई है। 250 प्रतिमाओं का लक्ष्य है। 100 प्रतिमाओं में फूलों और फलों के बीज डाले हैं। जेल में गणेश उत्सव की तैयारी के तहत जो है पहली बार हम इको फ्रेंडली गणेश जी यहाँ पर बंदियों से बनवा रहे हैं। इसमें कुल 10 बंदियों की टीम लगी हुई है और शुद्ध रूप से प्राकृतिक तरीके से मिट्टी से और गोबर का उपयोग किया जा रहा है। कोई भी ऑर्गेनिक या सिंथेटिक चीज़ों का इसमें उपयोग नहीं किया है। जो हम कलर भी यूज़ कर रहे हैं वो पूर्णतः ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 250 प्रतिमा बनाएंगे। उसमें से 100 प्रतिमाएं ऐसी हैं जिसमें हमने फूलों के और फलों के बीज भी डाले हैं ताकि जब हम अपने घर में गणेश विसर्जन करेंगे तो एक नए पौधे के रूप में वो हमें दिखेंगे। इनके ट्रेनिंग के लिए भी पहले से कुछ स्किल डेवलपमेंट के तहत कार्यक्रम हमारे पास में एक अच्छा मूर्तिकार और पेंटर है, 2 बंदी हैं जिन्होंने अन्य बंदियों को यहाँ पे ट्रेंड किया है और जितने भी ये 10 बंदी हैं इन्होंने जेल पे ही आपस में एक दूसरे को सिखाया है और ये बहुत ही सुंदर आकृति की हम गणेश प्रतिमा बना करके हमारे आउटलेट पर रखेंगे और आउटलेट से जो है हम आपके माध्यम से सभी नागरिकों से आग्रह भी करना चाहते हैं कि वो बंदियों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो है हमारे द्वारा नवीन प्रयास किया जा रहा है। यदि वो उस मूर्ति को खरीदते हैं तो उन्हें लगेगा कि हमारे द्वारा बनाई हुई चीज़ की वैल्यू है और वो और उत्साह से इस कार्य को करेंगे। यहाँ स्थापित करने के लिए भी प्रतिमा बड़ी तैयार की जा रही है। इससे पूर्व गणेश उत्सव के लिए हमें जेल के बाहर से प्रतिमा लेनी पड़ती थी पर हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस बार हम इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएंगे और भव्य और बड़ी मूर्ति हमारे 5 से 7 बंदी लगे हुए हैं उसको। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।